हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एन जूनियर किचन। आज हम लोग बनाने वाले हैं वेज मोमोस एंड मोमोस की चटनी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग मोमो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग मोमोज बनाने की, यहाँ पे हम लोग बंदा गोभी लिए हैं जिसे हम लोग बारीक कट कर लिए हैं। फिर यहाँ पे हम लोग कैप्सिकम लिए जिसको हम लोग छोटे छोटे पीस में काटे हैं, और हम लोग बीन्स लिए हैं इसे भी हम लोग छोटे छोटे काट लिए हैं। और यहाँ पे हम लोग सोयाबीन लिए जिसे हम लोग आधा घंटे के लिए पानी में बॉयल किए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ 1 टीस्पून सोया सॉस लिए, 2 टीस्पून टमाटो सॉस, 2 टीस्पून चिली सॉस एंड 1 टीस्पून विनेगर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अदरक लहसुन का 1 टीस्पून पेस्ट लिए हैं। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ मसाले लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक कुकर में टमाटर डाले 4 ठो, इसे हम लोग कट भी करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग सूखी लाल मिर्च लिए। आप लोग चाहे तो इस टमाटर के ऊपर वाले पार्ट को काट सकते हैं, ये जो गोल वाले पार्ट इसे आप लोग काट सकते हैं, हमने नहीं काटे हैं। अब हम लोग इसके ढक्कन लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग कढ़ाई गर्म की है, उसमें हम लोग वेजिटेबल्स ऑयल डाले हैं। जब वेजिटेबल ऑयल गर्म हो गए तब हम लोग इसमें बारीक कटी हुई अनियन डालेंगे। जब अनियन सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसमें हम अदरक लहसुन के पेस्ट डालेंगे। उसके बाद हम लोग इसे चलाएंगे। उसके बाद हम लोग इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर व 1/2 टीस्पून गोलकी पाउडर। ऐसे हम लोग चला लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें सोयाबीन डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बारीक कटी हुई जो बीन्स थी वो डाल देंगे। उसे हम लोग अच्छी तरह से चला लेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे तो हम लोग उसके बाद कैप्सिकम डालेंगे। और हम लोग फिर कैबेज डालेंगे। फिर हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम उसे नमक डालेंगे 1 1/2 टीस्पून। उसके बाद हम इसे चलाएंगे। और फिर हम लोग इसकी लीड लगा देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें जो सोया सॉस, टमाटो सॉस, चिली सॉस, विनेगर डाल देंगे। और
और फिर हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हम लोग ज़्यादा कुक नहीं करेंगे और इसे अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग इसे मैगी मसाले डालेंगे। इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी लीड लगा के गैस बंद कर देंगे। फिर हम लोग जो कुकर में रखे थे चटनी, उसे निकाल लेंगे और उसके छिलके को साइड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग चटनी बनाने के लिए कुछ सामान लिए, जैसे कि हम लोग जो बॉईल किए हुए टमाटर और सूखी लाल मिर्च लिए, यहाँ पे हम लोग अनियन लिए हैं, इसे हम लोग इस शेप में काटेंगे, फिर गोलकी लिए हैं, फिर 1 टीस्पून सोया सॉस लिए हैं, यहाँ पे हम लोग गोटा अदरक लहसुन लिए हैं, फिर हम लोग यहाँ 2 टीस्पून शुगर लिए हैं एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब हम लोग यहाँ पे एक पैन गरम करेंगे, उसमें हम लोग ऑयल डालेंगे, फिर हम लोग उसमें अनियन और लहसुन और अदरक डालेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें गोलकी डालेंगे। और फिर जब हम लोग टमाटर और वो जो रखे थे उसको इसमें डाल देंगे। और फिर हम लोग इसमें सॉल्ट डालेंगे, शुगर डालेंगे और 1 टीस्पून सोया सॉस। उसके बाद हम लोग इसे चलाएंगे। देखिए अच्छी तरह से खोल बॉयल होने लग गए हैं। अब हम लोग 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे इसमें, ऐसे भी मिक्स कर लेंगे जब तक ये पक रहे हैं, टमाटर गल रहे तब तक। हम लोग यहाँ पे हम लोग 2 कप मैदा लिए है, उसमें हम लोग सॉल्ट डालेंगे और उसके बाद इसे हम लोग अच्छे तरह से सान लेंगे। फिर देखिए टमाटर हो चुके हैं, तो अब हम लोग इसके फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम लोग ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम लोग इसमें मिक्सी जार में से ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक में तेल लगाएंगे और इसमें हम लोग इसे डाल देंगे। हम लोग एक बड़े वाले बर्तन के अंदर पानी डाल लेंगे और फिर हम लोग एक छोटी सी लोइया लेंगे, इसे हम लोग जैसे हम लोग पूरी बेलते हैं उसी से बेलेंगे। उसके बाद हम लोग इसके जिस बना के रखे थे हम लोग इसमें भर देंगे और हम लोग इसे साइड साइड इस तरह फोल्ड करेंगे और हम लोग यहाँ से उसे दबा देंगे साइड साइड से।
और बाकी सबको भी हम इसी तरह करेंगे। इसे हम लोग सिर्फ 10 मिनट तक ही पकाएंगे और जब ये हो जाएंगे तो देखिएगा कि पूरे बड़े होने लग जाएंगे, जितना आप साइज़ बनाए उसके डबल हो जाएंगे। उसके बाद जो हम लोग अंदर उसके बाद हम लोग इसमें भाप में डाल देंगे और इसकी लीड लगा देंगे और फिर हम लोग इसके मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। देखिए हमारी डिश रेडी हो गई है, हमारी मोमोस और हमारी मोमोस की चटनी भी रेडी हो गई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।